हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराबोला में पैराबोला की जनरल मेथड की, जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे पास जो है पैराबोला की जनरल मेथड का क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 60 mm। पॉइंट मूव्स इन सच अ वे दैट द सेंट्रिसिटी इज 1। ड्रॉ द लोकस एंड नेम द कर्व। हमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स जो है वो 60 mm है, जिसकी सेंट्रिसिटी है जो वो 1 दी हुई है। सो फ्रेंड्स, मैं एक जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब एक इसके परपेंडिकुलर 60 mm की एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ की है, इसमें जो है ये सी होगा और 60 mm पे फोकस एफ होगा, जे एफ। अब हमें जो इसेंट्रिसिटी 1 दी हुई है, तो वी सी अपॉन वी एफ बराबर 1। तो वी सी और वी एफ जो है इक्वल होंगे, तो जो वी होगा वो इसके सेंटर पॉइंट पे आएगा। तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर आएगा वी। सो फ्रेंड्स, इस वी वाले पॉइंट से हम जो है इधर आगे की ओर पे मैं 0.5 के इसमें जो है इस लाइन का पार्टीशन कर रहा हूँ। आप 1 cm भी ले सकते हैं, मैं 0.5 cm ले रहा हूँ। ये मेरा पॉइंटिंग हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन सभी को जो है स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। मैंने जो इन सभी लाइंस को जो है स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। अब हम सी कंपास की हेल्प से सी से 1 तक का जो है डिस्टेंस मेज़र करेंगे और एफ पर रखेंगे कंपास को, और एक आर्क इधर और एक आर्क इधर काटेंगे। फिर सी से 2 के बीच का डिस्टेंस लेंगे और एफ पर रखेंगे और एक आर्क यहाँ काटेंगे और एक आर्क यहाँ काटेंगे। सेम ऐसे ही पूरे भर होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने ये सभी आर्क्स जो है काट लिए हैं। अब इन सभी को मैं ड्रॉ कर लूँगा। सो फ्रेंड्स, मेरे ये पैराबोला के जनरल मेथड कंप्लीट हुई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना।